नई साल की ढेर सारी बधाइयां आप सभी को। आई होप कि 2024 में आप सभी का हर एक ख्वाहिश पूरी हो। बाकी इस साल की शुरुआत करते हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वीडियो के साथ। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की और एक अपडेट पे आपका स्वागत है। अगर मैं कहूँ कि ये एयरपोर्ट इंडिया में एक ऐसा लौता एयरपोर्ट होगा जिसमें आप बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय मेट्रो और तो और बाय वाटरवे भी पहुंच पाएंगे, क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, इस एयरपोर्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप मुंबई, थाने या फिर पुणे कोई भी दिशा से इजीली इस एयरपोर्ट पे पहुंच पाएंगे। कैसे? तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के बारे में और साथ में देखेंगे नवंबर 2023 तक इस एयरपोर्ट में कितना काम हो चुका है। इस सीरीज का ये दूसरा पार्ट है जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने इस एयरपोर्ट की हिस्ट्री के बारे में चर्चा किया था कि कैसे इस एयरपोर्ट के निर्माण में काफ़ी सारी रुकावटें आई थी और उसे किस तरह से ओवरकम करके ही हम इस एयरपोर्ट के निर्माण को देख पा रहे हैं। जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस सीरीज़ में एक थर्ड पार्ट भी आने वाला है जिसका अपडेट आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने मेंशन किया था कि इस एयरपोर्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप कोई भी दिशा से सिर्फ 60 से 90 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे इस एयरपोर्ट में। तो समझते हैं कैसे। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस एयरपोर्ट को बहुत ही बारीकी से प्लान किया गया है। जैसे अगर इस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की बात करें तो देयर आर 4 ऑप्शंस जो है बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय मेट्रो और बाय वाटरवेज। ऑल्सो और एक ऑप्शन होगा विच इज APM मतलब ऑटोमेटेड पीपल मूवर जो सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर अवेलेबल होगा। तो फर्स्ट देखते हैं बाय रूट इस एयरपोर्ट में आप कैसे आ पाएंगे। इस एयरपोर्ट की दो एंट्री पॉइंट है, वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड, जहां पे मल्टीपल रोड्स के जरिए आप आ सकेंगे इस एयरपोर्ट पे। और काफी सारे रोड्स अभी अवेलेबल है और काफी सारे अंडर कंस्ट्रक्शन भी है और कुछ आगे बनने वाले हैं। वन बाई वन सभी को देखते हैं। फर्स्ट इज ऑब्वियसली मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। अगर आप साउथ मुंबई में रहते हैं तो इस हाईवे के जरिए आप आसानी से सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे नवी मुंबई के चिरले में, जहां से NH 348 और NH 348 के थ्रू आप इस एयरपोर्ट के वेस्टर्न साइड से एंटर कर पाएंगे। ऑल्सो फ्यूचर में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के शिवाजी नगर इंटरचेंज से उल्वे के नॉर्दर्न साइड से एक एलिवेटेड कोस्टल रोड का भी निर्माण किया जाएगा जिसके चलते भी आप डायरेक्टली एयरपोर्ट के वेस्टर्न साइड पे पहुंच जाएंगे। इन दैट केस आप सोच रहे होंगे कि कब तक इस ट्रांस हार्बर लिंक का ओपनिंग हो सकता है, तो मेरे हिसाब से इस जनवरी महीने में ही आपको ट्रांस हार्बर लिंक का इनॉग्रेशन होते हुए दिख जाएगा। सेकेंड रोड है सियोन पनवेल हाईवे। अगर आप सेंट्रल मुंबई में रहते हैं तो सियोन पनवेल हाईवे के जरिए आप एयरपोर्ट के ईस्टर्न साइड से एंटर कर पाएंगे। थर्ड, अगर आप नॉर्दर्न मुंबई में रहते हैं तो अभी आपके पास ऑप्शन है घोड़बंदर रोड और थाने बेरापुर रोड जिसके जरिए आप एयरपोर्ट के वेस्टर्न साइड से पहुंच जाएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो काफी दूर पड़ता है, तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि काफी सारे रोड प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, जैसे कि गोरेगांव मुलुंद लिंक रोड प्रोजेक्ट। जी हाँ, फ्यूचर में आपको नॉर्दर्न मुंबई से इतना घूम के नहीं आना पड़ेगा। आप इस लिंक रोड प्रोजेक्ट की मदद से संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से टनल के जरिए पहुंच जाएंगे मुलुंद साइड पे, जहां से थाने बेलापुर रोड से आप पहुंच पाएंगे इस एयरपोर्ट की वेस्टर्न साइड पे। और ओवरऑल इन फ्यूचर जब मुंबई कोस्टल रोड बनकर तैयार हो जाएगा तब इजीली पूरे मुंबई से आप ट्रांस हार्बर लिंक के थ्रू इस एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। अभी अगर आप थाने में रहते हैं तो इजीएस्ट ऑप्शन है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और थाने बेलापुर रोड, जहां से आप इजीली एयरपोर्ट की वेस्टर्न साइड पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप उल्लासनगर, कल्याण या भिवंडी में रहते हैं तो शीलफाटा और NH 48 के थ्रू आप पहुंच जाएंगे कालम्बोली सर्किल में, जहां से NH 548 के जरिए आप एयरपोर्ट की ईस्टर्न साइड पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप पुणे से आ रहे हैं तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के जरिए आप एयरपोर्ट की ईस्टर्न साइड में एंटर कर पाएंगे। तो ओवरऑल एयरपोर्ट की दोनों साइड में ही एक एक इंटरचेंज का निर्माण किया जाएगा,
जिसके चलते आप इस एयरपोर्ट में सिग्नल फ्री होकर एंटर कर सकते हैं। और सभी रोड्स की बात करें तो आज के डेट पे आपके पास ये 7 एग्जिस्टिंग अवेलेबल रोड्स है, और पोपोस रोड नेटवर्क की बात करें तो ये 4 रोड्स फ्यूचर में बनने वाला है। अब आते हैं अवेलेबल रेलवे लाइन्स पे। फर्स्ट आता है CSMT पनवेल सबर्बन हार्बर रेलवे लाइन, सेकेंड है उरन बेलापुर रेलवे लाइन, और थर्ड है JNPT रेल लिंक। इनमें से सबसे क्लोजेस्ट होने वाला है उरन बेलापुर रेल लाइन, क्योंकि एयरपोर्ट के बिल्कुल पास ही वेस्टर्न साइड में आता है तारघर स्टेशन, जो अभी बनकर तैयार है लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं है। जैसे ही उरन से CSMT तक ट्रेन चालू हो जाएगा, इस स्टेशन को भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और तो और, अगर किसी को करजत साइड से एयरपोर्ट पे आना है तो वो भी आसान होने वाला है, क्योंकि पनवेल से करजत तक एक सेकेंड लाइन को बिछाने का काम अभी चल रहा है। जैसे ही ये लाइन बनकर तैयार होगा तो इस रूट पर भी लोकल ट्रेन चालू हो जाएगा। अब आते हैं मेट्रो पे, और मेरी माने तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेट्रो के जरिए आप डायरेक्टली एयरपोर्ट के अंदर तक जा पाएंगे। मेट्रो के ऑपरेशनल रूट की बात करें तो आज की तारीख पे सिर्फ एक ही रूट अवेलेबल है, वो है नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 बेलापुर से पिंधार तक, और इस लाइन को रिसेंटली ओपन किया गया है। लेकिन फ्यूचर में और भी बहुत सारी मेट्रो लाइन लिंक होने वाला है इस एयरपोर्ट के साथ। फर्स्ट इज ऑब्वियसली मेट्रो लाइन 8। ये एक प्रोपोज्ड मेट्रो लाइन है जिसे एग्जिस्टिंग छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लिंक किया जाएगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ। फिर आता है अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो लाइन 2B, जिसे फ्यूचर में मानकोट से आगे एक्सटेंड किया जाएगा इस एयरपोर्ट तक। नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 की बात करें तो इन फ्यूचर इसे भी पिंधार से आगे एक्सटेंड किया जाएगा, जो आकर इस एयरपोर्ट की ईस्टर्न साइड से एंटर करने वाला है। और एक नई मेट्रो लाइन 4 का भी प्रपोजल है, जो दीघे तुर्वे बेलापुर होकर कनेक्ट होगा इस एयरपोर्ट में। ओवरऑल सभी लिंक्स को कंसीडर करें तो फ्यूचर में कुछ ऐसा कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा एयरपोर्ट के अंदर, जहां एयरपोर्ट के ईस्ट से वेस्ट में टोटल 16 लेन का रोड दिखेगा, और जिसके बीच में आपको मेट्रो लाइन्स भी दिखने वाला है। बाकी एयरपोर्ट में वाटरवेज के जरिए भी नियरेस्ट बेलापुर जेटी से आप पहुंच सकते हैं, लेकिन ये अभी प्रपोजल स्टेज पर है। और APM के बारे में बात करें तो APM का मतलब ऑटोमेटेड पब्लिक मूवर, जो एयरपोर्ट के अंदर में एक इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, जिसके चलते आपको अगर एयरपोर्ट के अंदर कोई भी दूसरी टर्मिनल या लोकेशन पे जाना हो तो समय बचाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन ये सुविधा सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर ही अवेलेबल होगा। ये APM सिस्टम फर्स्ट टर्मिनल में शामिल नहीं होने वाला। ये सुविधा टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के निर्माण के साथ साथ शुरू हो जाएगी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, इस एयरपोर्ट को ऐसे प्लान किया गया है कि आप एयरपोर्ट से 60 से 80 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी डायरेक्शन से आए तो आप आसानी से एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं एयरपोर्ट की प्रोग्रेस के बारे में। तो आखिरी बार हमने प्रोग्रेस देखा था जून 2023 में, और प्रोग्रेस कुछ ऐसा था। और अभी की प्रोग्रेस देखें तो आपको एयरपोर्ट में मल्टीपल एक्टिविटीज चलते हुए दिखेगा। पहले देखते हैं उल्वे हिल को, जहां कंपेयर करने में आपको पता चलेगा कि काफी काम हो चुका है। फिर देखेंगे सदर्न रनवे का काम काफी एडवांस स्टेज पर अभी आ चुका है। और ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ये है DBM। इसके बाद रनवे में फाइनल BC लेइंग कर दिया जाएगा। फिर दोनों पैरेलल टैक्सीवे को देखें तो वहां पर भी DBM लेइंग कर दिया गया है, लेकिन फाइनल BC लेइंग अभी भी बाकी है। DBM का मतलब है डेंस बिटुमिनस मैकडम, और BC का मतलब है बिटुमिनस कंक्रीट, और आप बोल सकते हैं एस्फाल्ट कंक्रीट। और साथ ही साथ रनवेज और टैक्सीवेज में अभी लाइटनिंग के लिए ऐसे केबल्स बिछाने का काम भी चालू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रनवे और टैक्सीवे के कनेक्टिंग रोड्स पे भी अभी DBM लेइंग चालू है। बाकी आप देख पाएंगे पूरे एयरपोर्ट में काफी सारे ड्रेन्स का निर्माण किया गया है रेन वाटर्स को ड्रेन करने के लिए, और जिसके चलते ऐसे बड़े बड़े कलवर्ट्स का भी निर्माण किया गया है। आपको दिखेगा इस पूरे एयरपोर्ट में अभी मल्टीपल बिल्डिंग्स का काम चालू है।
जिसको एग्जैक्ट गेस करना अभी थोड़ा मुश्किल है। तो सीधा चलते हैं एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग 1 में। 6 महीने पहले टर्मिनल बिल्डिंग 1 का प्रोग्रेस कुछ ऐसा था। और अभी देखेंगे तो आपको बहुत सारा काम होते हुए दिखेगा। टेक्निकली मुझे नहीं पता कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं ये वाला हिस्सा पूरा ही नया बना है और इस हिस्से में तो बहुत ज़्यादा काम हो चुका है इन 6 महीनों में। ऑनेस्टली पूरे एयरपोर्ट में काफ़ी तेज़ी के साथ हर एक एक्टिविटीज़ का काम आपको चलते हुए दिखेगा। बाकी एयरपोर्ट की नॉर्दर्न साइड में अभी लैंड डेवलपमेंट का काम ही चालू है। अगर टारगेट कॉम्प्लीशन की बात करें तो वो है दिसंबर 2024, जहां फेज 1 तक ओपन करने का प्लान है और उस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए काम भी उसी तेजी के साथ चालू है। बाकी आपके क्या राय है, क्या हमें 2024 एंड तक फेज 1 ओपन होते हुए दिखेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।